हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को डेसिमल पार्ट टू, जो कि आपका जो पिछला मैंने जो पढ़ाया था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल मैंने समझाया था। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने जो नेक्स्ट डेसिमल पार्ट टू में आपको मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म। ये आपको फ्रैक्शनल में दिया गया है, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पहला जो दिया गया है 17/10, तो जो लोवेस्ट क्लासेस के लिए, छोटी छोटी क्लासेस के लिए बच्चों में ज्यादातर मिस्टेक हो जाया करता है। तो सबसे पहले आप जो लर्निंग का जो सबसे शुरुआत होती है, इसको आप 17 को 10 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, या आप सीधे ध्यान दीजिए, ये 17 है, 10 वन जा 10, ऐसे करके आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका माइनस करेंगे, 7 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, 7 आ जाएगा, ये 1 आपका क्रॉस हो जाएगा। जब आप यहाँ पे पॉइंट रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी नंबर को आप जैसे 17.0000 पर जितनी मर्जी हो उतने जीरो करके आप लिख सकते हो, इसकी वैल्यू 17 ही मानी जाती है। पर कभी कभी आप जैसे मान लीजिए डिवाइड करते समय आपका जो है पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, जब आप पॉइंट रिप्लेस करेंगे तो आप जितनी मर्जी उतनी जीरो आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे जीरो रख सकते हैं। अब देखिए आपका 17 हो गया, तो 10 7 जा 10 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे, 10 7 जा 70, ये आपका हो गया कितना, 0 0। तो 17/10 को आप डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1.7। ये तो हो गया आपका सॉल्विंग का मेथड। अगर ट्रिकिंग मेथड देखा जाए तो आप 1.17/10 है तो डायरेक्ट आप 17 लिखिए। अब यहां पे देखिएगा, देखिए 10th प्लेस, अगर यहाँ पे 10th प्लेस में है ना, ये आपका 17/10 है, यहाँ पे 1 डिजिट बाद आप पॉइंट लगाएंगे, आपको यही नंबर मिलेगा। सॉल्व करने का मेथड आपका यही रहेगा। ट्रिकी मेथड जब आपको, अगर मान लीजिए यहाँ अपॉन 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10 लाख है, अगर मान लीजिए 17/100 है तो आप क्या करेंगे, ये 17 लिखेंगे, इसमें देखिए 2 जीरो हैं, कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 2 डिजिट बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 ये पॉइंट लगा दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पॉइंट कभी भी विदाउट जीरो नहीं होता। अगर यहाँ कोई नंबर है तो फिर जीरो के लिखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ अगर कोई नंबर नहीं है तो आपको जीरो है, आपको मस्ट लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसका आंसर आपका जो है 1.7 आएगा। इस तरह से ट्रिकी मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहले ये 7/100 है तो 7 को आप डिवाइड करेंगे इससे 100 से। आप जानते हैं 7/100 डिवाइड नहीं होगा, 7/100 से नहीं होगा, तो पॉइंट आप करके 0 0, जितनी आवश्यकता उतने जीरो आप रख सकते हो। इसके देखिए 7.00 इसका मतलब ही होता है 7, जितने जीरो रख लीजिए। अगर यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो इस जीरो की कोई वैल्यू भी नहीं होती। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस पॉइंट को यहाँ रिप्लेस करेंगे, चूंकि पॉइंट अकेला नहीं होता तो जीरो आपको रखना पड़ेगा। अब पॉइंट रिप्लेस करने के बाद ध्यान दीजिएगा, पॉइंट रिप्लेस करने के बाद आपको केवल 1 डिजिट मिलेगा। अभी देखिए, जब डिवाइड आप सीख रहे होते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर संख्या आपकी यहाँ पे छोटी है तो हमको बगल वाले की भी जरूरत पड़ेगी, है ना, आपको इसको भी साथ में लेना पड़ेगा। बट जब आपने पॉइंट यहाँ रिप्लेस कर दिया तो आपका डिवाइड शुरू हो गया। अब इस कंडीशन में आप 70 को 100 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। अब क्या करेंगे, हमको ये जीरो चाहिए, तो कुछ लोग जैसे आप करती तो आप जीरो रिप्लेस करिए, 100 0 जा 0, 100 0 जा 0। अब आप यहां पे देखिए, ये 0 ये 7, आपका 70 पूरा पूरा है। हमने कितने टाइम डिवाइड किया, 0 टाइम, 1 जा ले जाएंगे, 100 हो जाएगा, 100 1 जा 100, यहां पे ज्यादा हो जाएगा। अब ये वाला 0 आप यहां रख लीजिए, 100 7 जा 700, ये आप माइनस कर दीजिए, यहाँ पे आपका देखिए रिमाइंडर 0 हो गया। तो 7/100 को आप इस तरह से 0.07 ऐसे आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ट्रिकी मेथड देखें तो ये आप देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 7/100 है, यहाँ पे 7 लिखिए, देखिए कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे, 1,
आप ये फर्स्ट जो नंबर आपका वन टू, अब आपका पॉइंट रिप्लेस हो जाएगा। अब आप भी जानते हैं पॉइंट पहले, पॉइंट के पहले अगर कोई नंबर नहीं है तो आप जीरो लिखना पड़ेगा। ये आपका आंसर ट्रिकी मेथड से आ जाएगा, लेकिन जब आप सीख रहे होते हैं तो आप यही मेथड यूज करिएगा। आपको ये कंपटीशन के लिए ट्रिकी मेथड मैंने यहां पे बताया है। अब यहां पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, 151 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे, ये 1000 है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब पॉइंट आप रिप्लेस कर दीजिए, जितनी आपकी आवश्यकता है उतने पॉइंट आप रिप्लेस कर लीजिए, ठीक है। मैंने यहां 30 रिप्लेस किया है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले सबसे पहले 151 पॉइंट के पहले, मान सपोज दैट यहां पॉइंट नहीं है, अभी पॉइंट अभी मैंने नहीं रिप्लेस किया, तो क्या ये 151,000 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो हमको फिर पॉइंट के बाद 00 रिप्लेस करना पड़ेगा। अब हमको इसके इस नंबर की भी आवश्यकता पड़ेगी, इस जीरो की आवश्यकता पड़ेगी, तो सबसे पहले हम पॉइंट ही रिप्लेस करते हैं, क्योंकि पॉइंट अकेला नहीं होता, इसलिए जीरो पहले लिख दिया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये कौन सा नंबर हो गया, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, आपको पॉइंट जो था वो यहां पे रिप्लेस हो गया, कौन सा नंबर मिला आपको, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, 1510। अब आप यहां पे थाउजेंड से डिवाइड कर सकते हैं, तो थाउजेंड बन जा 1000, आप माइनस करेंगे ये जीरो आएगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, वन से जीरो सेपरेट होगा वन आएगा, फाइव से जीरो सेपरेट करेंगे फाइव आएगा, ये आपका क्रॉस हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप ये जीरो लेंगे, पॉइंट आपने पहले रिप्लेस कर लिया है, ये जीरो आपके पास आ गया। अब थाउजेंड यहां पे देखिए, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, इसके अप्रोक्स नंबर लिखा जाता है। जिन बच्चों को या जिनको जो है डिवाइड नहीं आता, तो आप डिवाइड भी ध्यान दीजिएगा, मैं यहां डिवाइड करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। तो थाउजेंड यहां 5000 है, हमको ऐसे नंबर चाहिए, यहां से जो है इससे नीचे वाला नंबर आपका अधिक नहीं होना चाहिए, है ना, इक्वल आ जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं है, बट अधिक ना हो, कम हो जाए वो कंडीशन सही है। तो 1005 जा आप ले जाएंगे, 1005 जा 5000, यहां पे देखिए माइनस करिए सेपरेट करिए जीरो जीरो, वन से जीरो सेपरेट करेंगे वन, अब ये लास्ट वाला जीरो आपका यहां पे आ जाएगा, 1000 बन जा 1000, ये आपने माइनस किया, ये रिमाइंडर आपका जीरो हो गया, ओके। अब 151 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.151। ट्रिकी मेथड का यूज करें तो आप वही 151 आप यूज करेंगे, ये 1000 आ जाएगा। अब आप यहां पे 151 लिखिए, यहां पे देखिए कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, जीरो कितने हैं, जीरो देखिएगा, 1 2 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट बाद आपको पॉइंट लगाना है 1 2 3, ये आपको यहाँ पॉइंट लग जाएगा। विदाउट डिवीजन आप इसको ऐसे आप निकाल सकते हैं ट्रिकी मेथड से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ये जो मैंने अभी पहला क्वेश्चन मैंने जो बताया था उसमें आपको एज अ डिनोमिनेटर 1000 लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपका जो है 5 है, 6 है, 56 है डिनोमिनेटर में, तो इसको भी आप वैसे ही आप सॉल्व करेंगे, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से आप चाहे तो पहले से भी पॉइंट लगा के 0 0 0 रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंट आप यहां रिप्लेस कर लीजिए जितनी जरूरत हो, यहां पे आपका पॉइंट के बाद एक जीरो में ही आपका सॉल्व हो जाएगा, मैं यहां एक ही जीरो रख रहा हूं। हम यहां केवल डेसिमल के 2 प्लेसेस तक यहां सॉल्व करेंगे, डेसिमल 2 प्लेसेस तक, है ना। तो यहां पे देखिए, पहले तो आप 5 1 5, यहां पे देखिए पॉइंट के पहले जो इंटीग्रल पार्ट है उस पर ध्यान दीजिएगा, 5 1 5, यहां पे 2 आया। अब पॉइंट आप यहां पर रिप्लेस कर देंगे, ये आपका 0 यहां पे आ जाएगा, 5 4 20, ये आपका हो गया, ये कैसे बना आपका, ये 5/7/5 है ना, 7/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.4, ये आपका देखिए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन जो कह रहा है कन्वर्ट दीज टू इनटू डेसिमल फॉर्म्स, आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं यहां केवल 2 प्लेसेस तक डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 27 डिवाइडेड बाई 6, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 6 4 24, आप देखिए टेबल का अच्छे से आप अभ्यास कर लीजिएगा, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं,
बड़े लोगों में तो ऑलरेडी उनको सब याद रहता है, फिर भी आप भी ध्यान दीजिएगा, टेबल अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। 6 4 या 24, ये 7 से 4 सेपरेट करेंगे 3 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पॉइंट रिप्लेस नहीं किया है, अगर आप करना चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम यहाँ पॉइंट रिप्लेस करेंगे तो हमको 0 अपने आप यहाँ फाइंड हो जाएगा। या कि आपको डाउट है तो आप पहले से ही यहाँ पे पॉइंट रिप्लेस कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए 6 का टेबल पढ़िए, 6 5 जा 30, ये आपका जो है पूरा पूरा हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, पूरा पूरा आपका डिविजिबल हो गया। तो 27/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा डेसिमल फॉर्म में, 4.5 आपका हो जाएगा। ओके, इस नंबर को आप ध्यान से देखिएगा, इस नंबर को तो सबसे पहले यहां 276/56, इसको हमको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल के टू फॉर्म में, डेसिमल टू प्लेसेस तक। तो यहां पे सबसे पहले आप 56 का टेबल बना लीजिएगा, है ना। तो यहां सबसे पहले मैं समझ रहा हूं कि आप 56 2 जा 3 जा 3 जा चेक कर लेता हूं, 3 6 जा 18 कैरी आया 1, 3 5 जा 15 1 16, 3 6 जा 18 कैरी आया 1, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अब 3 5 जा 15 1 16 168 अभी बहुत कम है। तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे यहां पे 4 टाइम ले जाएंगे, ठीक है। ओके, 4 टाइम ले जाएंगे, आपको इसमें डाउट ना हो इसलिए पहले से ही रिप्लेसमेंट कर देता हूं, 0 0 रिप्लेस मैंने पहले से ही कर लिया यहां पे। तो 56 4 जा 4 6 जा 24 कैरी आया 2, 4 6 जा 24 कैरी आया 2, 4 5 जा 20 और 2 मिलाएंगे कितना हो जाएगा 224। तो 56 4 जा यहाँ पे आप ध्यान पहले ले जाएंगे 224, या आपका 6 से 4 सेपरेट करेंगे 2 आएगा, ये 7 से 2 सेपरेट करेंगे 5 आएगा, ये आपका 0 हो गया। पॉइंट यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ये मैंने कहा था कि पॉइंट आपको रिप्लेस करना है यहाँ पे। पॉइंट रिप्लेस करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये 0 आप यहाँ पे रख लेंगे, अब आपका 520 हो गया, 520। अब 56 एक बार 9 जा ट्राई करते हैं, देखते हैं कितना जाता है, 9 6 जा 54 कैरी आया 4, सॉरी 9 6 जा 54 4 आया कैरी आया 5, ठीक है, 9 5 जा 45 और ये 5 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 50, यहाँ पे 50, ये देखिए 504 आया, 9 जा ही बेस्ट है, तो 504 ये आपका आ गया। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे, इसको सेपरेट करेंगे, ये आप ये इसको बारो देगा, जैसे आप सेपरेशन में सॉल्व करते हैं, ये इसको बारो देगा, ये 10 हो जाएगा, 10 से 4 सेपरेट करेंगे कितना आ जाएगा 6, 10 से 4 सेपरेट करेंगे 6, इसने इसको बारो दिया 1 बचा, 1 से 0 सेपरेट करेंगे 1 आएगा, ये आपका 0 हो गया, ये एक 0 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 56 2 जा चेक कर लीजिए पहले, 2 6 जा 12 कैरी आया 1, 2 5 जा 10 1 11, 112 2 जा ले जाएंगे तो 112, 10 से 2 सेपरेट करेंगे कितना आएगा 8, 10 से 2 सेपरेट करेंगे 8 आएगा, इसने इसको 12 दिया 5 बचा, 5 से 1 सेपरेट करेंगे 4 आएगा, है ना। अब क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे डेसिमल 2 प्लेसेस तक हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका सॉल्व हो गया, अगर आप चाहें तो इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग एज फ्रैक्शंस। ये मैं यहाँ पे जो है ये जो डेसिमल नंबर दिया गया है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, आप लोग भी देखिएगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं इसमें। अगर पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 पॉइंट अगर 7 है, पॉइंट के बाद अगर 1 डिजिट है तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट के बाद अगर 1 डिजिट है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना पड़ेगा कि अगर 2.7 है अपॉन पहले 1 करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको फ्रैक्शन की जो डिफिनीशन होती है, जो फ्रैक्शन की डिफिनीशन होती है, तो उसमें आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है, ये आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर आप किसी भी नंबर के नीचे 1 रख के आप डिनोमिनेटर शो कर सकते हैं।
तो 2.1 अपॉन 2.7 अपॉन 1 आपने किया, पॉइंट के बाद देखिए 1 डिजिट है तो आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट है, सपोज दैट यहाँ पे 2 डिजिट है 73 है तो आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब पॉइंट के बाद सपोज दैट यहाँ पे 3 डिजिट है तो आप कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 4 डिजिट है तो 10,000 का, 5 डिजिट है तो 1,00,000 का, ऐसे ही आपको जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान देना है, पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं, 2 डिजिट है, मतलब आप कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का। तो सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख लीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, ये 20.12 हो गया ये अपॉन 1, ये आपका न्यूमरेटर या आपका डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई कितने का करना है, 100 अपॉन 100 का, ठीक है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए यहाँ पे मैं एक मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2.12 है, सॉरी 20 पॉइंट है आपका ये नंबर, और आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, आप 100 का डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके टेबल से आप लगा सकते हैं, बट यहाँ पे एज अ रूलिंग कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि 1 डिजिट 1 बाय 1 करते हैं, तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 ही यूज कर रहा हूँ। 0 2 0, 0 1 0, 0 0 0 एंड 0 2 0, अब इसी तरह से 0 2 0, 0 1 0, 0 0 0, 0 2 0। 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, अब आप यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने देखिए यहाँ पे इस 0 को मैंने किया ये यूनिट प्लेस में रखा, ये 10th प्लेस वाले 0 का जब मल्टीप्लाई किया तो मैंने शुरुआत कहाँ से की, 10th प्लेस से, ये प्लेस आपका जो है क्रॉस रहेगा, प्लेस खाली रहेगा, जब आप 100 प्लेस वाले डिजिट का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 100 प्लेस से ही आपको डिजिट रखना है, 100, ये आपका ये 100 प्लेस है, आपको यहाँ से शुरुआत करनी है, 1 2 0 2, 1 1 0 1, 1 0 0 0, 1 2 0 2, यहाँ पे देखिएगा 0 0, अब इसको ऐड करते हैं ना, 0 0 2 1 0 2, आपका यही नंबर आपको यहाँ पे मिलता है, बट आपको ये ध्यान देना है 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा है, 2 डिजिट बाद पॉइंट आप भी रिप्लेस कर देंगे, अब चूंकि यहाँ पे देखिएगा ये जो नंबर है, ये जो नंबर है पॉइंट के बाद कोई भी पॉइंट के बाद 0 0 है, कोई अदर डिजिट नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई और डिजिट नहीं है, केवल 0 0 ही है, तो इस पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, आप अगर चाहें तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो आपका यही नंबर आपको मिल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा ये 2012 मीन्स 2012, अब ये 100 बन जा 100, ये आपका ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, अब ये आपका कन्वर्ट हो गया, अगर आप चाहें तो इसको लोवेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा ये नंबर ये डिजिट कटते किससे किससे हैं, अगर आप चाहें आपका ये आंसर यही हो गया, आपका हो गया ये आंसर, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया, बट हम ऐसे कॉम्पिटिटिव मैथ में हम इसको इतना नहीं छोड़ सकते, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, दोनों को HCF नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्यों, इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, 2012 को जब आप डिवाइड करेंगे 100 से, इन दोनों का HCF निकालना, मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करने जा रहा हूं, आप भी देखिएगा, 100 2 जा 200, 1 आया 2 आया, 100 0 जा 0, ये आपका 12 आ गया, 100 2 जा 200, ये 1 आया, ये आपने 2 निकाला, अब यहाँ 1 जा ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 100 0 जा, अब आप क्या करेंगे इस 100 को यहाँ पे रखेंगे, तो 12 8 जा 96, 10 से 6 सेपरेट करेंगे 4 आएगा, ये आपका क्रॉस हो जाएगा, इसको सेपरेट करेंगे तो, अब ये 12 को 4 3 जा 12, इससे डिवाइड हुआ आपका 4 से, मतलब क्या हुआ, इन दोनों का HCF नंबर कौन सा नंबर है, 4 है, मतलब ये हुआ आप 4 से दोनों नंबर को आप डिवाइड कर सकते हो, तो 2012 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय, इन पहले यहाँ HCF आप जो है HCF आप फाइंड कर लीजिएगा, HCF इक्वल टू कितना दिया है 4, तो आप 4 अपॉन 4 से डिवाइड कर देंगे
ये आपका कितना हो जाएगा 2012 को आप 4 से डिवाइड करिए, 4 5 जा 20, ये आपका डिवाइड हो गया 1 आया, 4 0 जा 0 1 आया, 2 आया, 4 3 जा, मतलब यहाँ पे क्या आया 503। अब 100 को जब आप डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, 25 आएगा, फिर भी मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, 4 2 जा 8 ये 2 आया, 4 5 जा 20, मतलब क्या आया, अगर आप 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 आएगा आपका आंसर। देखिए एज अ जो क्लास 6 की जो मैथ दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपका यही आंसर है, बट अगर मान लीजिए इसको आगे नेक्स्ट क्लासेस में जब जाएंगे तो आपको ये भी सॉल्व करने पड़ेगा, तो 6 क्लास वाले 7th और 4th सभी के लिए मैंने यहाँ जो सुटेबल है इसके लिए मैंने ये सब किया है। तो ये जो है 503, अब 503 को यहाँ पे देखिए कौन सा फ्रैक्शन है आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, मिक्स फ्रैक्शन में, और करके ये 503 को आप डिवाइड कर दीजिए 25 से, 25 टू द 50 ये हो गया 3 आया, 25 0 जा 0 ये आपका 3 आ गया, और करके लिखेंगे 20 होल 3 अपॉन 25, ये आपका जो है लोवेस्ट फॉर्म में या इम्प्रॉपर फॉर्म में, इसको जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो किसी किसी क्वेश्चन में आपको ये दिया रहता है केवल आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो किसी के बुक में ये भी दिया होगा, अगर लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए दिया होगा तो इस तरह से भी हो सकता है, और अगर लोवेस्ट टर्म को अगर सपोज दैट अगर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप इस तरह से लिखेंगे, मतलब इस क्वेश्चन को आप यहाँ ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले 100.03 अपॉन 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में कन्वर्ट किया, 100 अपॉन 100 का मल्टीप्लाई किया, पॉइंट के बाद टू डिजिट है इसलिए 100 का मल्टीप्लाई होगा। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही नंबर मिलेगा, मैंने अभी बताया था इसका, अगर आप मान लीजिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 100300 कितना आएगा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद, टू डिजिट बाद आप पॉइंट रिप्लेस करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं है, इसको आप यहां से हटा दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, 100 1 100। ओके, अब इनका जो है आप जो है ये ध्यान दीजिएगा, इनको जो है आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपकी जैसे मैंने इधर का सॉल्व किया है उस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इतना ही करना है, क्या दिया है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 125.10 अपॉन 1 पॉइंट के बाद यहाँ टू डिजिट है लेकिन ये जीरो है, आप चाहें तो अकॉर्डिंग टू रूल आप 100 अपॉन 100 का ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप उसको क्रॉस कर दीजिएगा, तो 125 अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ थ्री डिजिट आएगा 12510 और ये आपका 100 का जब मल्टीप्लाई करेंगे टू डिजिट बाद पॉइंट रिप्लेस करेंगे इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, अब आप क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये जीरो काट दीजिए तो आपको 1251/10, आप चाहें तो 10 से डिवाइड करके इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप कर सकते हैं, देखिए जैसे मैंने इसको छोड़ दिया है ये आपको अपने से, अगर मान लीजिए कॉम्पिटिटिव मैथ है तो आप इसके थ्रू आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट है तो आप इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, इसको भी आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं 10 से डिवाइड करके इसको 100 से डिवाइड करके। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब अगले क्वेश्चन में मैं आपको डेसिमल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगली वीडियो में मैं लेके आऊंगा, ये आप जो है इसको सॉल्व करिए, आपके बुक में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं पैटर्न यही होगा, आप इन एग्जाम्पल वीडियो को देखिए और एग्जाम्पल को देखने के बाद आप अपनी बुक का भी सॉल्व करिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन लेके आएंगे।